सब्सक्राइब करें एबी टेक चैनल को और अपने काम को बनाएं आसान। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को स्विच कैसे कर सकते हैं, वो भी क्रिएटर अकाउंट में, जो कि इंस्टाग्राम ने आपको कुछ दिन पहले न्यू फीचर दिया है क्रिएटर अकाउंट का। जैसा कि आप जानते हैं कि आप पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिर्फ स्विच कर सकते थे बिजनेस अकाउंट पे, अब आपको ये सहूलत मिली है इंस्टाग्राम की तरफ से कि अब आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं क्रिएटर अकाउंट पे, ताकि आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। मैसेजेस के ऑप्शन में जो है ज़्यादा अपडेट आ चुकी है इसमें, और इसके अलावा इनसाइट्स में वगैरह और इन चीज़ों में बहुत सी अपडेट्स आई है। तो अगर आप उन अपडेट्स को यूज़ करना चाहते हैं खुद भी, तो अभी अपने पर्सनल अकाउंट को या बिजनेस अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट पे शिफ्ट करें। तो गाइस, आपने इसे शिफ्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये ऊपर सेटिंग्स में जाना है, देन गाइस आपने सेटिंग का ऑप्शन प्रेस करना है, देन गाइस आपने स्क्रॉल डाउन करना है और अकाउंट के ऑप्शन को प्रेस करना है। देन गाइस आपने क्या करना है, देन गाइस आपने स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे प्रेस करना है। उसके बाद गाइस आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक बिजनेस अकाउंट पे भी शिफ्ट नहीं किया तो आप बिजनेस अकाउंट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट पे प्रेस करना होगा। देन गाइस आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा, फेसबुक ईमेल, आपको फेसबुक का अकाउंट आपका मांगेगा, तो आप फेसबुक पे लॉगिन करें, देन अपने फेसबुक का कोई भी एक पेज उस पे ऐड कर दें, देन आपका अकाउंट जो है बिजनेस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर आप क्रिएटर पे जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है क्रिएटर पे, देन गाइस आपने अगेन नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। देन गाइस आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट की जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपने वो सेलेक्ट करना है। देन गाइस आपने यहाँ पे कोई भी कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर देनी है, देन गाइस आपने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद गाइस आपकी ये बिजनेस इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपने क्या करना है, आपने अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन का रिव्यू देना है कि जी हाँ यही हमारी इंफॉर्मेशन है, देन आपने जो है नेक्स्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद गाइस आपके सामने डिस्प्ले कैटेगरी लेबल आएगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऑप्शन को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इसे हाइड भी कर सकते हैं, देन गाइस आपने डन पे प्रेस कर देना है। तो उसके बाद गाइस अगर आपका फेसबुक पेज अगर इससे कनेक्ट नहीं है तो आपने क्या करना है, चूज पेज पे सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद गाइस आपसे ये जो है आपकी फेसबुक की लॉगिन मांगेगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर देना है। तो लीजिए गाइस हमने अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, देन गाइस आपने कंटिन्यू एज जो भी आपका नेम है आपने उस पर प्रेस कर देना है। देन गाइस आपने किसी भी एक पेज को जो है इसके साथ अटैच कर देना है। लीजिए गाइस मैंने अपने अबू बकर वाले पेज को इसके साथ अटैच कर दिया है, देन गाइस आपने डन कर देना है। तो लीजिए गाइस आपका पेज जो है, योर क्रिएटर अकाउंट इज रेडी, आपका जो पर्सनल अकाउंट था वो क्रिएटर अकाउंट में चेंज हो चुका है। तो गाइस इसमें आपको बहुत से न्यू फीचर्स मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपका इनबॉक्स। तो गाइस ये देखिए आपके पास अब जो पहले ऑप्शन था सिर्फ इनबॉक्स था, अब आपके पास ऑप्शन मिल रहा है आपको प्राइमरी और जनरल। तो गाइस यहाँ पे अगर आपको ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखे, प्राइमरी रखना चाहते हैं तो यहीं पे रहने दे। तो गाइस अगर आप प्राइमरी से जनरल में किसी मैसेज को शिफ्ट करना चाहते हैं आपने क्या करना है, आपने उस पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन गाइस आपने क्या करना है, मूव टू जनरल। तो लीजिए गाइस आपका ये मैसेज जो है जनरल में आ चुका है। उसके बाद गाइस आपके पास जो है मैसेज रिक्वेस्ट है, तो ये है गाइस, इसमें भी आपको जो है टॉप रिक्वेस्ट सबसे ऊपर मिलेगी और उसके बाद ऑल रिक्वेस्ट जो है नीचे मिलेगी। तो गाइस उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें न्यू फीचर क्या है। इसका एक और न्यू फीचर ये है गाइस, आप इनसाइट में जा सकते हैं, इनसाइट में जाने के बाद आपको यहाँ पे इनसाइट में बहुत सारी चेंजिंग मिलेगी। गाइस ये देखिए आपको आपकी जो है प्रोफाइल पे रीच कितनी आ रही है, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, देन गाइस आपके कंटेंट पे जो है लाइक्स वगैरह कितने आ रहे हैं। उसके बाद गाइस आपकी ऑडियंस जो है, ऑडियंस आ चुकी है सी ऑडियंस इनसाइड। देन गाइस ये देखिए आपकी जो ओवरऑल ऑडियंस है ये है, आपको जो है सबसे पहले ओवरऑल जो -3 है, मतलब आपको 3 बंदों ने अनफॉलो कर दिया है।
तो गाइज उसके बाद आप जो है अपनी लोकेशन देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कहाँ से है। लीजिए गाइज, मेरी ऑडियंस है गुजरावाला, लाहौर, मुंबई, अहमदाबाद, कराची। उसके बाद गाइज आपकी ऑडियंस की एज क्या है, आपकी ऑडियंस की जेंडर क्या है। 18% गाइज वुमेन है, 82% मैन है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो पे करें कमेंट। नेक्स्ट गाइज आपसे मुलाकात होती है ऐसे किसी अच्छी वीडियो में, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए गाइज, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।